आईएएस पूजा सिंघल जब से ईडी के शिकंजे में आई है तब से नित नए खुलासे हो रहे हैं। जिलों के खनन पदाधिकारी हो या खुद पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा या उनके सीए सुमन कुमार, सब पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सब मुसीबतों से घिर गए हैं। अब मुसीबत राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए खड़ी होने वाली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्थर खनन आवंटन मामले में ईडी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सीएम हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटित करने में खान सचिव पूजा सिंघल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में वो शामिल रही है और इसका साक्ष्य भी ईडी को मिला है। इसके बाद चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने सभी प्रतिवादियों को 23 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शपथ पत्र में ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि अदालत में ईडी की ओर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और अलार्मिंग दस्तावेज सौंपे गए हैं वो झारखंड पुलिस और झारखंड सरकार के नियंत्रण वाले किसी प्राधिकार को नहीं सौंपे जाए। अभी प्रारंभिक जानकारी दी गई है, जरूरत पड़ने पर ईडी इस मामले में पूरक शपथ पत्र दाखिल करेगी। ईडी के सहायक निदेशक विनोद कुमार ने शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा है कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले में कुछ मामलों की जांच की गई है। ये मामला पूजा सिंघल के खूंटी डीसी रहने के दौरान का है। इस मामले में 16 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसी मामले में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका अरुण कुमार दुबे ने दायर की है। याचिका में भी पूजा सिंघल के खिलाफ जांच का आग्रह ईडी और सीबीआई से किया गया है। सरकार की ओर से पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि ईडी जब तक दस्तावेज नहीं देगी तब तक कैसे जवाब दाखिल किया जाएगा। उन्होंने अदालत से कहा है कि ईडी ने जो सीलबंद रिपोर्ट दी है उसे सभी पक्षों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राज्य सरकार को ईडी का शपथ पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, ऐसी स्थिति में वो अदालत की मदद नहीं कर पाएंगे। प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी। बहरहाल इस शपथ पत्र के दाखिल होने के बाद अब बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया है और झारखंड में बीजेपी अब सरकार को फिर घेर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।